सो हेलो एंड वेलकम बैक। तो जैसा आपको पता है कि आपकी जितनी भी जम्मू यूनिवर्सिटी के रिलेटेड या क्लस्टर यूनिवर्सिटी या किसी भी तरह की यूनिवर्सिटी कॉलेज की अपडेट होती है, सबसे पहले मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। स्टूडेंट्स इन दिनों जो एक ही चीज़ जो है कॉमन वो पूछ रहे हैं अपने कॉलेज के रिलेटेड कि एडमिशन्स कब तक स्टार्ट होने वाली हैं। आज से कुछ दिन पहले ही जो है मैंने एक वीडियो बना के आपको ये चीज़ बता दी थी कि जम्मू यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन आपको एक बता दी गई थी एज अ न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन सेक्शन में कि आपकी जो जम्मू यूनिवर्सिटी की एडमिशन है वो प्रोसेस जो है जो आपकी एडमिशन 2021 और 22 सेशन के लिए स्टार्ट होने वाली हैं बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। और उस पर यह चीज़ लिखी गई थी कि आप यहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं बार बार, मतलब यानी आप फिर से अपडेट्स के लिए जो है कंटिन्यू अपडेट्स के लिए आप यहाँ पे रिविजिट जो है कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है इसके रिगार्डिंग वो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिया था, जिससे कि हमने ये एस्टीमेट लगाया था कि विद इन अ वीक जो है आपकी एडमिशन स्टार्ट होने वाली थी। पर अभी जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से जहाँ तक मैंने पता किया है मैंने सोर्सेज से, तो दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से अभी तक आपकी एडमिशन जो है थोड़ा डिले हो रही है और उसको थोड़ा टाइम लेना पड़ रहा है उनको एडमिशन जो आपका डेट्स है उसको अनाउंस करने के लिए। उससे पहले मैं बता दूं कि जब भी आपकी, अगर आप पर्सनली भी इस साइट पर विज़िट करते हैं, आप इंडिविजुअली इस पे साइट पे विज़िट करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एडमिशन्स अब आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं या नहीं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं। या उससे पहले भी एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट अभी कन्फ्यूज हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के रिलेशन को लेके, तो मैं आपको बता दूं आपके जितने भी कॉलेजेस हैं जैसे MAM कॉलेज हो गया या आपका साइंस कॉलेज हो गया, कॉमर्स कॉलेज हो गया, गांधीनगर कॉलेज हो गया, जितने भी आपके ये कॉलेजेस हैं ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। और जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जिन्हें आप बोलते हैं GDCs, वो सभी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। इसके अलावा परेड कॉलेज आपका जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। तो जब भी एडमिशन शुरू होगी जम्मू यूनिवर्सिटी की, पहले शुरू होगी अगर मैं बात करूँ BA LLB की, BCom की या BBA की, ये तीन कोर्स जो हैं इसके बाद में GDC जिनके अंडर आते हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी की जब भी एडमिशन स्टार्ट होगी तो इन सभी कॉलेजेस की, इन सभी कोर्सेज की एडमिशन एक ही साथ शुरू होगी। और जब क्लस्टर यूनिवर्सिटी की शुरू होगी तो सभी कॉलेज की एक ही साथ हो, ऐसा नहीं है कि एक कॉलेज की पहले या एक कॉलेज की बाद में, सभी कॉलेजेस की एक ही साथ एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, किसी की भी सेपरेट नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जैसे ही जम्मू यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी का नोटिस आएगा, दोनों में से किसी एक का आएगा, तो दूसरी यूनिवर्सिटी का नोटिस भी जल्दी ही आ जाएगा, यानी दोनों की एडमिशन साथ साथ में शुरू हो जाएगी, ठीक है। BA LLB के लिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं बता दूं मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो प्रोवाइड करवाया हुआ है फ़ी के ऊपर भी। फ़ी वाली वीडियो खोलोगे उसमें आपको BA LLB के कोर्स की फ़ी डिटेल मिल जाएगी। मेरिट लिस्ट के ऊपर उसकी अलग से बनाई हुई है कि लास्ट टाइम उसका कितना मेरिट गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आई थिंक 20+ मिनट्स की वो कोई एक वीडियो है, अप्रॉक्स 20 मिनट्स के, मिनट से भी ज़्यादा है। तो BA LLB जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं अपनी एडमिशन्स BA LLB के लिए, वो उस वीडियो को जो है ज़रूर देख सकते हैं, इस वीडियो के एंड में मैं दे दूंगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक जो है वो मैं अटैच कर दूंगा, तो आप वो ज़रूर देखें, ठीक है, अगर वो जितने भी BA LLB वाले स्टूडेंट हैं। उसके बाद अगर आप इस साइट पर विजिट करते हैं तो साइट्स मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं, तो यहाँ पर आपको जो सेक्शंस दिख रही हैं जैसे स्टूडेंट लॉगिनिंग ऑब्लिक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके लिखा है, लेकिन यहाँ पर कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है अभी, ठीक है, ऑफिशियल साइट पर कमिंग सून लिखा आ रहा है। जैसे ही अभी 1-2 दिन में ये जो है स्टार्ट होंगी तो यहाँ पर जो है आपको लिखा दिखेगा अप्लाई नाउ, ठीक है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको जो है या रजिस्टर नाउ का ऑप्शन जो है यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो ये स्टूडेंट सेक्शन वाला फर्स्ट वाला ग्रीन वाला सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ से जाके इजीली अपनी रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं। जो मैंने कल एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था कि क्या प्रोसीजर रहता है फुल, उसमें मैंने बताया कैसे रजिस्ट्रेशन होगी, क्या होगा, और रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो लास्ट टाइम से स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप उन सबको पता है कि जब भी रजिस्ट्रेशन ओपन होती हैं तो मैं उनको ये चीज़ गाइड करता हूँ कि कैसे कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो वो वीडियो भी आएगा जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, तो यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है अप्लाई नाउ वाला तब जो है वो दिख जाएगा जब भी आपकी एडमिशन जो है ओपन होती हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये क्यों एडमिशन्स डिले हो रही हैं, एक चीज़ जो जम्मू यूनिवर्सिटी में ये बताई जा रही है कि CBSE के रिजल्ट का, आपका जो सेंट्रल बोर्ड के रिजल्ट्स हैं उसमें अभी थोड़ा डिले है, 31 जुलाई तक उसकी जो है मैक्सिमम एस्टिमेशन डेट जो है दी गई है, लेकिन 31 से पहले ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, 12th क्लास का रिजल्ट जो है आपका CBSE का। जैसे ही वो डिक्लेयर होता है, या तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, जब भी वो डिक्लेयर होगा यानी जब भी क्या वो 31 जुलाई से पहले ही होगा, तब आपकी एडमिशन का नोटिस जो है वो इशू हो जाएगा, एज यू नो कि आपके JK बोस का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, वो नोटिस आने के बाद
जरूरी नहीं है कि 12th क्लास का जो CBSE का रिजल्ट है उसका वेट किया जाएगा। अगर उसके रिजल्ट की कुछ क्लेरिफिकेशन आ जाती है कि विद इन अ डेज आने वाला है 1-2 दिन में, तो उसके बाद भी जम्मू यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको ये जो रजिस्ट्रेशन है ये ओपन दिख जाएंगी। क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये ऑलमोस्ट 1 मंथ से भी ज़्यादा देर तक चलती हैं, तो सबको इसमें टाइम जो है मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग्स में जो सभी स्टूडेंट हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो जाएगी, CBSE प्लस दूसरे स्टेट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें। एक चीज़ जो और बताई जा रही है वो ये है कि आपकी ये जो साइट है, ठीक है, जब अभी आप साइट देख रहे हैं जहाँ से आप लोगों को ये अप्लाई करना है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी आपको जो पूरा एडमिशन का प्रोसेस है वो इसी साइट के थ्रू जो है करना है, इसी से रजिस्ट्रेशन होगी, इसी पे मेरिट लिस्ट आएंगी, सब कुछ इसी पे होता है। ठीक है, तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से जो है इसको वेल मेंटेनेंस किया जाए, इसकी सिक्योरिटी और के इश्यूज भी होते हैं बहुत सारे, तो इन चीज़ों के चलते भी जो मैंने पता किया है, तो अभी ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसकी मेंटेनेंस चल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है एडमिशन में। एडमिशन जो है आपकी विद इन अ डे यानी 1 या 2 दिन में स्टार्ट होने वाली है। मंडे को इसके रिगार्डिंग कोई नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं या पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सभी के लिए यूज़फुल वीडियोस जो हैं इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ, सभी स्टूडेंट को पता है। कंटिन्यूस अपडेट के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नए हैं अभी स्टूडेंट, पहली बार इस वीडियो चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूज़फुल वीडियोज़ जो हैं इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ, वो स्टूडेंट मेरे साथ जो है अपने पर्सनल क्वेश्चन क्वारीज जो हैं वो डिस्कस करते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ जाके अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो एडमिशन मेरिट लिस्ट या डॉक्यूमेंट फी के रिलेटेड, तो आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो अटैच है, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। जैसे ही एडमिशन के रिगार्डिंग कोई नोटिस आएगा सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगा, चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी कुछ यूजफुल वीडियो जो है अभी इस वीडियो के लास्ट में आपको देखेंगी, वो ज़रूर देखें आप। थैंक यू।